पता नहीं चला आपको दाम में कई सवाल खड़े करता है और उन सवालों के इर्द गिर्द आज सवाल हम उठाएंगे और सवाल होगा कोटद्वार का। हरक सिंह रावत एक बार फिर से सियासी चर्चाओं में। हरक सिंह रावत की हैकड़ी बीजेपी ने क्या वाकई में निकाल दी या फिर हरक सिंह रावत ने वही किया जो उनकी पुरानी फितरत? हरक सिंह रावत ने क्या वाकई में बीजेपी को धोखा दिया या बीजेपी ने हरक सिंह रावत को धोखा दिया? अब क्या वाकई में उनकी कांग्रेस में एंट्री से कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? लेकिन इन तमाम सवालों के भीतर एक सवाल गुम जिसका आज मैं जिक्र करूं। सवाल उस कोटद्वार की आवाम का है जिन्होंने हरक सिंह रावत को सूबे की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा में कोटद्वार की आवाम के लिए हरक सिंह रावत ने क्या किया? कोटद्वार की आवाम को जो सपने 2017 में हरक सिंह रावत ने दिखाए थे, सुनहरे सपने, उन सपनों को क्या वो पूरा कर पाए जैसे 2012 में उन्होंने रुद्रप्रयाग की जनता को दिखाया? वो सपने सपने ही रहे। अब एक नई विधानसभा सीट की तलाश में कोटद्वार को भी टाटा बाय बाय कर रहे जो करते आए। उनके करीबी कहते हैं कि भाई जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसी दिन से ही अगली सीट की तलाश शुरू कर दे, उसी दिन से, जिस दिन चुनाव जीत गए उसी दिन तय करेंगे कि अगली विधानसभा कौन सी। अब लैंसडाउन से लड़ेंगे, डोईवाला से लड़ेंगे, केदारनाथ से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। लेकिन उस कोटद्वार की जनता का क्या जिन्होंने मानने को विधायक बनाया बागी होने के बावजूद? ना सिर्फ विधायक बनाया बल्कि मंत्री पद भी दिलवाया। वैसे मंत्री पद उनके जूते की नोक पर रहता है, 2012 में भी था, जो वो बोलते थे, ये मैं नहीं, वो बोलते, जूते की नोक पर मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसे में कोटद्वार की जनता के साथ उन्होंने क्या धोखा किया, खिलवाड़ किया? अब सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और कोटद्वार की जनता का आज और कोटद्वार को लेकर माननीय मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, उनके दावे और हकीकत की बात करें। हकीकत और दावों का जिक्र इसलिए जरूरी क्योंकि हरक सिंह रावत कहते हैं कि उन्होंने कोटद्वार का खूब विकास किया या नहीं किया। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत शामिल होने वाले हैं, हरक सिंह रावत शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। कोई कोटद्वार की जनता के फायदे और नुकसान का जिक्र नहीं, कोटद्वार की जनता कोई ये आकलन नहीं कर रहा कि रुद्रप्रयाग की जनता के साथ धोखा करने वाले हरक सिंह रावत कोटद्वार की जनता के साथ धोखा करके एक नई विधानसभा की। तो चलिए आकलन कर लेते हैं कि धोखा वाकई में कोटद्वार की जनता के साथ हुआ या फिर नहीं हुआ। उपलब्धियां क्या है और दावों की हकीकत क्या है, उसी का मैं जिक्र करूंगा और कुछ तथ्यों के आधार पर यह जिक्र होगा। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ आज जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ सीमा जी शामिल हो रही है, सीमा डोरा, जो कि बीजेपी की नेता है, कार्यकर्ता है और चेहरा है, प्रवक्ता भी, उत्तराखंड। साथ ही साथ मेरे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। साथ ही मेरे साथ राजीव चौधरी जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उफ ये रोती हुई तस्वीरें, मेरा तो दिल पसीज गया, दिल पसीज गया। ओह सीमा जी देख रहे कितने भावुक हो गए हरक सिंह का। मैंने तो कई बार देखी ये तस्वीरें, ऐसे लग रहा था फ्लैशबैक। उफ, आज ये रो रहे हैं, 5 साल कोटद्वार की जनता रो, 5 साल कोटद्वार की जनता रो। आपकी डबल इंजन की सरकार में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री, क्योंकि कल रात को बर्खास्त हो गए, कल रात को मैंने 9 बजे ये खबर ब्रेक की थी सीमा मैडम, आप जैसे कार्यकर्ता कुछ नाराज हो गए, कुछ ने टैग करके खूब मेरे को खरी खोटी सुनाई,
क्या अफवाह फैला रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या झूठ, और ठीक आधे घंटे के बाद निष्कासन, आधे घंटे के बाद। सीमा मैडम, आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री का मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि किसके साथ धोखा, किसके साथ नहीं। मैंने कहा कोटद्वार की जनता के साथ तो सबसे बड़ा धोखा है। तो आप मुझे ये बताइए, ये मामला ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते। अब देखिए, हरक सिंह रावत, कोटद्वार की जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं? मुझे पूछ रहे हैं ना कि? जी सीमा मैडम, मैं से पूछ रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम पिछली बार आए थे और आपने कहा था कि मंत्रालय जूते की नोक पे, तो मैंने आपको 2012 में बोलते हैं ने कहा था कि जूते की नोक पे मंत्री नहीं बनूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा। तो मैंने तब मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन से ऊपर कुछ भी नहीं है, कहा था आपको। तो आपने कहा था हरक सिंह जी के बारे में बात करें, मैं कहा हाँ कर रही हूँ हरक सिंह जी के बारे में बात, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। तो अगर जिस इंसान को ये लगने लग जाए ना कि वो संगठन से ऊपर है, तो फिर संगठन को पता है कि उसको रास्ता कहाँ का दिखाना पड़ता है। और वो इतने बड़े नहीं हो गए थे अभी कि वो ये कह दे संगठन को कि आप मेरी मर्जी से आप चलो। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम विकास के लिए लड़े, अपनी अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़े, तो संगठन को मानना पड़ता है। 4.5 साल कोटद्वार की जनता के साथ जो कुछ हुआ वो आप भी देख लीजिए। ये आंसू, ये छोड़िए, 5 साल जो कोटद्वार की जनता रोई है ना खून के आंसू, मैं उसका हिसाब मांगता हूँ। मुझे ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार में माननीय मंत्री जी ने, जो पूर्व मंत्री हो गए हैं, उन्होंने किया क्या डबल इंजन की सरकार में कोटद्वार के? नहीं, अगर बहुत अच्छा कुछ करा होता तो इस तरह से उनको नहीं, उनकी बातें मान ली गई होती। जब उन्होंने कुछ ढंग से करा नहीं, ऊपर से डबल इंजन की सरकार है, तो मतलब सेंटर से सब कुछ अब मिल रहा है उनको, तभी भी वो क्यों नहीं, इंजन कोटद्वार नहीं गया? नहीं, क्यों नहीं गया, वही तो पूछना चाह रहे हैं कि और अगर आप इतने अच्छे हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो भागना क्यों चाहते हैं आप, बार बार सीट बदलना क्यों चाहते हैं? मैडम इतना मत बोलिए, वो उनका इतिहास है, वो रुद्रप्रयाग में साढ़ू भाई को हरा के भी भागे थे ना, तो आप आज भगोड़ा बोल रही है उनको। आप कल को तैयार थे कि कहीं से भी लड़ लो चुनाव। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि आज बताइए कि कोटद्वार की जनता के साथ कुछ तो किया होगा आपके मंत्री ने, कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसे वो कहते हैं, रिकॉर्ड के मैंने सेंट्रल स्कूल बनाया वहां पे, उन्होंने कहा कि मैंने लाल डांग स्वास्थ्य के लिए बात। मैं बता देता हूँ क्या क्या बोला उन्होंने, मेरे पास लिस्ट है और मैं दिखा भी रहा हूँ, फिर राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लाल डांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग का डामरीकरण किया। हकीकत क्या आप जानते हैं? आप वहां पर पुलों तक का निर्माण कार्य रुका हुआ है। अब उन्होंने एक वादा किया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पाखरो टाइगर सफारी का निर्माण, जैसे वो सत्पाल महाराज जी ने कहा था ना कि सी प्लेन चलाऊंगा मैं, टीरी में सी प्लेन, वो तेरा डेस्टिनेशन बनाऊंगा, तो वो सब तो सपने ही थे। तो उन्होंने जो बताया था वो निर्माण कार्य अभी तक रुका हुआ है, शिलापट लगा दिया उन्होंने, समझ रहे हैं आप, शिलापट लगा दिया, जैसे होता है ना कि चुनाव आने वाला सब कुछ कर दो, शिलापट लगा दिया। और जो कॉलेज के बारे में कह रहे हैं ना कि टोक बजाकर मैंने कहा कैबिनेट से इस्तीफा दे दूंगा, वो कॉलेज की हकीकत जानते हैं आप? उस कॉलेज की हकीकत ये है कि वहां पर 2 बार शिलान्यास हो चुका है, 2 बार, और जो चिन्हित बिल्डिंग है वहां पर बाउंड्री वॉल भी होती, और जो मेरे पास आंकड़ा आया वो 5 करोड़ की लागत से हुई। कितना झूठ बोलोगे कोटद्वार की जनता से आप? सीमा मैडम, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हरक सिंह रावत ने झूठ बोला? नहीं नहीं, आप जो आप जो आंकड़े दिखा रहे हो तो सही बोल रहे होगे। तो वही तो जन, अब देखिए अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात थी, अब जनता पूछेगी कि आपने इतना काम क्यों नहीं करा, जब आपको सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे तो आपने क्यों नहीं इतना अच्छा, काम? ये डिजर्व या तो डिलीवर नहीं कर पाए, जैसे कि धन सिंह रावत नहीं कर पाए, जैसे कि सतपाल महाराज जी नहीं कर पाए, जिनका रिपोर्ट कार्ड मैंने दिखाया था और वो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पे भी पड़ा हुआ है। ओके, राजीव चौधरी जी, वो ये कह रहे हैं कि अब तो हमारे है नहीं, मंत्री जी नहीं कर पाए इसलिए वो पूर्व मंत्री हो गए, हमारे यहाँ संगठन सर्वे पर ही है। लेकिन मैंने कहा कि कोटद्वार की जनता से तो पूछ लो, आज मंत्री जी रो रहे हैं, 5 साल कोटद्वार की जनता भी रोई है, राजीव जी क्यों गलत था? मैंने
नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल राजीव। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ चावला साहब, और जो बात आपने की है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत कोटद्वार की जनता के लिए बहुत मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर वहाँ सरकार के टाइम पर जब चुनाव लड़े 2017 में हरक सिंह रावत जी, तो उन्होंने जनता से वादे किए थे, और कहीं ना कहीं वो वादे आज धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें भी मालूम हो गया है, हरक सिंह जी को भी लग रहा है कि वो जो वादा जनता के बीच करके आए थे वो वादे उस सरकार में पूरे नहीं कर पाए। तो उनको कई बार हम लोगों ने पहले भी देखा है, वो सरकार से जब भी सवाल करते थे कई बार नाराजगी होती थी, फिर उनको बुला उनके पास कभी ब्रेकफास्ट करने चले जाते थे मुख्यमंत्री जी। मेरा कहना ये है कि जो डबल इंजन का पहाड़ा पूरे देश के अंदर पढ़ा जा रहा है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं टेक्निकली आपको ये कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जहां जहां डबल इंजन लगा है, असल में ये लोग टेक्निकल तो है नहीं, नानो ये तो सब लोग नागपुर की प्रयोगशाला से निकले हुए लोग हैं। इन्होंने राजनीति में वो तजुर्बा तो इनके पास है नहीं कि विकास के रास्ते को ये अच्छी तरह से तैयार कर सकें या रोड मैप तैयार कर सकें। करना चाह रहे थे कर नहीं पाए, आप ये कह रहे हैं जी, मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूँ। तो वो जो डबल इंजन है, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, उस ट्रेन के इंजन एक उत्तर की तरफ लगा दिया और एक दिल्ली की तरफ दक्षिण की तरफ लगा दिया। इंजन तो डबल लगे हुए हैं, वो इंजन एक बार तो ट्रेन को दिल्ली तरफ खींच रहा है, एक उत्तराखंड की तरफ खींच रहा है। तो वो डबल इंजन की सरकार इसलिए आगे को बढ़ नहीं पा रही है, कारण ये है कि विपरीत दिशा में इंजन लगा दिया इन्होंने। तो रावत पे इतना दिल पसीज रहा आपका राजीव जी? नहीं, दिल पसीजने वाली बात नहीं है। मैं आपकी बात जी जी मैं आपकी बात मेरा कहना ये है, दीपक जी के पास जाऊं, मुझे एक बात बताइए सर, कभी रुद्रप्रयाग की जनता से पूछा कितना बड़ा धोखा हुआ था 2012? पूछा कभी रुद्रप्रयाग की जनता से? तब कौन सा डबल इंजन किसने रोक दिया था? नहीं, तब वो हमारी रुद्रप्रयाग से जब विधायक थे, मंत्री थे, हमारी सरकार में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में वही पूछ लीजिए ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय पूछना चाहिए था, ये तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए था। और अभी और मैंने उनका बाइट देखी थी, अभी उनका उन्होंने एक बाइट दी थी न्यूज चैनल को, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं गया था, मैं अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही पास गया, और इन्होंने सोशल मीडिया के आधार पर इन्होंने हमें निष्कासित कर दिया। राजीव जी विक्टिम कार्ड समझते हैं? विक्टिम कार्ड राजनीति में बहुत काम आता है, विक्टिम कार्ड जी। कई नेता अभी जेब में लेकर घूम रहे हैं, जैसे वो है ना आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, वो भी वो विक्टिम कार्ड लेकर ही गई है। और एक और बता देता हूँ, जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो भी विक्टिम कार्ड जेब में लेकर घूम रहे हैं, विक्टिम कार्ड। छोड़िए, दीपक जी हरक सिंह रावत ने बीजेपी को धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया, कितने धोखेबाज है ये आकलन सब कर रहे हैं। पहले तो न्यूज वर्ल्ड की सभी सम्मानित जनता को, देवतुल जनता को मेरा प्रणाम, और चौधरी जी, चावला जी आपको भी। सर, किसी का खून होता है ना, ब्लड में होता है, धोखा देना मौके धोखा दे। आप देख ही रहे, पहले उन्होंने कांग्रेस को दिया, हरीश रावत जी की सरकार को सिस्टम थी, आज उन्होंने धामी जी की सरकार को धोखा दिया। वो किसी के नहीं है, वो केवल वक्त के हैं, और उनकी फितरत में शामिल है, वो उनके अंदर एक हनक सवाल। आप लोग इन्होंने बहुत डोरे डाले थे, ये कामयाब नहीं हो पाए। डोरे तो इन्होंने कहीं और भी डाले थे, बहुत डोरे डाले इनके, ये कामयाब नहीं हो पाए। राजीव भाई एक मिनट सुन लीजिए, दीपक जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जो उन्होंने हामी है दल बदलना मौके को देख के, वो देखिए राजनीति परिवेश है, हर जगह दरवाजे खुले होते हैं, मैंने आपकी बात मान ली, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा, बीजेपी की हमारी जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि वो तो इसी बदौलत वो अपनी छवि के कारण ही कांग्रेस से बीजेपी में गए, आज बीजेपी से दोबारा कांग्रेस में आ गए। कौन सी छवि 2002 वाली, जैनी प्रकरण वाली, या छवि 2012 वाली जब विवाद हुआ था सत्ता जीतने की, या फिर 2013 वाली जब मेरठ दुष्कर्म मामला हुआ था, या 2017 वो कौन सी बीजेपी में चले गए? ब्लैकमेलिंग की बात करेंगे तो फिर बात स्टिंग तक चली जाएगी ना, फिर राजीव जी कुछ और ले आएंगे, है ना, वो स्टिंग तक चली जाएगी बात, छोड़िए उस बात को। मैं ये कह रहा हूँ दीपक जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए
कि कोटद्वार की जनता के साथ धोखा है या नहीं। आप लोग असली विषय पर नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूं कि ये जनता के साथ धोखा है या नहीं, जिस कोटद्वार की जनता ने उन्हें चुना, उनके रिपोर्ट कार्ड को मैं देख रहा था, ये हकीकत है। दीपक जी ऑडियो आ रहा है मेरा, डिस्कनेक्ट हो गया। राजीव जी, कोटद्वार की जनता क्या समझेगी बताइए ना, कोटद्वार की जनता नहीं, कोटद्वार की जनता भी आपको लगता है ये पश्चाताप के आंसू है? नहीं नहीं, पश्चाताप के आंसू ये हैं, उन मैंने कई बार देखा, देखो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे और मेडिकल कॉलेज को लेकर वो समय समय पर सरकार से बार बार कहते थे कि मेरा मैंने वादा किया जनता से मेडिकल कॉलेज बनाना है, और वो उसमें सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, जो चिल्लर खाल वाली रोड की आप बात कर रहे हैं, उस सड़क पर कार्य माननीय हरीश रावत जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय शुरू हुआ था, और कुछ एनजीटी के वजह से प्रयास किया, ऐसा नहीं है। जब वो यहाँ से विधायक थे कोटद्वार से, तो वो कोटद्वार की जनता को किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है कि अपने अपने मंत्रियों को किए वादे पूरे करने के लिए सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसलिए हरक सिंह रावत ने छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप क्षेत्र के विकास के लिए लड़ोगे, देश के विकास के लिए लड़ोगे, राज्य के विकास के लिए लड़ोगे, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ देगी। उनकी लड़ाई है कि मेरी बहू को टिकट दे दो, बहन को टिकट दे दो, भाई को टिकट दे दो, साले को टिकट दे दो, तो ये नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इतने कार्यकर्ता है, यहाँ अपने कार्यकर्ता की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि आपको दो टिकट दे दें, आपको एक टिकट मिल रहा है ना, और क्षेत्र भी आप डिसाइड करेंगे। तो उनकी जो लड़ाई है वो ये है, विकास के लिए वो कभी नहीं भागे। विकास के लिए जब उन्होंने बोला था तो उनको मिल गया था कि ठीक है मेडिकल कॉलेज। नहीं, जो सीमा जी कह रही है, मैं इनकी इस बात से इत्तफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां इनके पर एक एक परिवार के तीन तीन लोग चुनाव लड़े हैं और विधायक हैं, कोई राजनाथ सिंह और आप पंकज सिंह से देख सकते हैं, और बहुत से उदाहरण हैं ये बताने के लिए कि ये एक दो दो तीन तीन परिवार से लोग लड़े हैं। और इन्होंने तो हमारी पार्टी से 2016-17 में जब गए थे, मैं एक मिनट संजीव आर्य जो यशपाल आर्य गए, हम ये यशपाल संजीव आर्य को जिन्होंने टिकट दिया, दोनों टिकट दिया इन्होंने 17 में। थोड़ी उस बात को कोटद्वार की जनता पर आइए, कोटद्वार की जनता उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं राजीव? नहीं, कोटद्वार की जनता के साथ अन्याय ये हुआ क्योंकि वो मोहा विधायक रहते हुए और एक कद्दावर मंत्री रहते हुए उस जनता के विकास के कार्य नहीं करा पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया, वो उनके वादे पूरे नहीं करने दिए, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा, जिसको कहते हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर क्षेत्र के विकास की अपने क्षेत्र की विकास के लिए अपनी सरकार के सामने सवाल खड़ा करना ब्लैकमेलर, तो ऐसे हर नेता को ब्लैकमेलर होना चाहिए ऐसा, जिससे क्षेत्र की जनता का विकास हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनके मुख्यमंत्री जी जो थे उनके किसी भी बात को नहीं समझ रहे थे, ना तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज वाली बात को समझा, ना उन्होंने चिल्लर खाल वाली रोड की बात को समझा, ना उन्होंने वहां जो कार्बेट पार्क वाला था वो समझा। तो कब तक जनता को धोखा देंगे? और ये सब लोग समझ चुके हैं, भारत ये धामी जी भी समझ चुके हैं, मेरी बहन सीमा जी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल हुई है, ये सीमा जी भी जानती है। ख्वाब देख रहे हैं और सीमा जी कैसे समझ रहे हैं? सीमा जी तो अच्छे से जानती है कि आप आओ, सीमा जी आने ही नहीं है कांग्रेस ने। 10 मार्च में पता आप सोच लीजिए कि आप हरक सिंह जी आ गए तो आप सोच लीजिएगा कि आप जीत रहे हैं तो आप नहीं जीत रहे, जनता सब जानती है। कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं, जी ने ये बता ही दिया कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है वहाँ पे, तो वो आगे जाके कौन से झंडे गाड़ देंगे जो उन्होंने गाड़ दिए? सीमा जी बहुत सारे मंत्री आपके लाइन में लगे हुए हैं, कहीं भी नहीं करेगा, बहुत सारे मंत्री आपके लाइन में हैं, हमें दिक्कत हो रही, हम ले नहीं पा रहे उनको, बहुत सारे लोग आपके लाइन में। राजीव जी रुक जाइए, रुक जाइए, जिन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, आपकी क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है आपके? एक मिनट एक मिनट, दीपक जी जी कोटद्वार की जनता पर आ रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि बार बार कोटद्वार की जनता को धोखा क्यों दिया। मैं एक और आंकड़ा देखा था, पिछले 5 सालों में 13 करोड़ 23 लाख रुपए विधायक निधि के खर्च हुए, कितने? 13 करोड़ 23 लाख रुपए, और आधे से ज्यादा भी नहीं, 80% बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ
वन क्षेत्र में खर्च कर दिए विधायक मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री, और आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जब कोटद्वार के लिए एक जिले में वो एक, आप देख रहे थे किस तरह से वो एक जो वहां पे हॉस्पिटल तक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और कैबिनेट उन्होंने ये कहा कि मुंह बना के बैठे रहे, आपने देखा कई बार। और इसी चीज को जैसे भी हमारे भाई साहब ने बताया, राजीव भाई ने, कि मुख्यमंत्री जी उनके डिनर पार्टी पे गए, जब उनकी प्रवृत्ति ही वही है, वो आदत में शामिल है, वो कैसे बदल सकती है, आप मुझे बताइए ना। और वो इस बार भी ये करेंगे, इस बार अगर गलती से जनता ने इस बार उनको जिता दी, पहली बात जिताने वाली नहीं है, इस बार जनता भी समझ चुकी है कि ये 30 साल की इनकी जो राजनीति है इसमें इन्होंने हर बार दल बदलने का काम करा है और हर जगह पार्टी के ऊपर जो जो भी पार्टियां हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम करा है, क्योंकि इनकी पार्टी से कोई विचारधारा नहीं। मैं पूछ लेता हूं, पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूं। राजीव जी, चलिए, इन्होंने रुद्रप्रयाग की जनता के साथ धोखा किया, इन्होंने कोटद्वार की जनता के साथ धोखा किया, इन्होंने पौड़ी की जनता के साथ धोखा किया, इस बात की क्या गारंटी कि इस बार डोईवाला से लड़ेंगे तो वहां की जनता से धोखा नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी कि वो केदारनाथ से लड़ेंगे तो जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी कि वो लैंसडाउन से लड़ेंगे तो जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे? कौन गारंटी लेगा उनकी? उनकी गारंटी तो उनके क्षेत्र की जनता नहीं लेती। आज कोटद्वार की जनता रो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए राजीव? नहीं, आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे छोटे भाई अभी आम आदमी पार्टी से जो बैठे हैं, उन्होंने कहा, और सबसे ज्यादा चर्चाएं मीडिया में थी कि हरक सिंह रावत जी को आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो, और ये तो उनके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने तक तैयार थे। लेकिन चलो, आज इनके पास नहीं आ पाए तो इनके अंदर उनके अंदर कमियां दिखाई दे रही है। अब मैं उनको दोनों तरफ देखता हूँ, जहां एक तरफ जनता के धोखे की बात की जाती है, मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि एक व्यक्ति को एकदम अचानक रुद्रप्रयाग भेज दिया जाता है, और एक कद्दावर जो कई बार से लगातार 7 बार से वहां चुनाव लड़ रहे थे, वो उनकी 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 कला थी कि वहां चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को हरा के जीते। जहां जहां उनको मौका मिला है उन्होंने चुनाव जीता है, और जनता में विश्वास पैदा किया। हरक सिंह रावत को भेजा नहीं जाता, वो उनकी पसंद होती है, ना मुझे कोई बुलाता है ना मैं आया हूं, मैं अपनी मर्जी से आता हूं, ये हरक सिंह रावत के बारे में कहा जाता है। मेरा उनसे अच्छा रिलेशन है, मैं उनसे मिला, रुद्रप्रयाग वाले मामले में उनको भेजा गया था, वो भेजा गया था, वो नहीं चाहते थे रुद्रप्रयाग लड़ना, तब भी वो तब भी डोई वाला चाहते थे, डोई वाला चाहते थे, सब जानते हैं, सब छोड़िए उस बात को, साडू भाई हैं, सब जानते हैं क्या 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 हुआ वहां, सब जानते हैं, छोड़िए, रुद्रप्रयाग की जनता बता देगी 2012 में क्या हुआ था, वो कैसे चुनाव जीते थे वो भी बता देगी। हाँ, सब तारीफ करेंगे, राजीव जी जानते हैं, कह रहे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जानता हूँ मैं उनको, जहाँ भी उन्हें मौका मिला है जनता में अपना विश्वास पैदा करते हैं और जीतते हैं, वो हमेशा जीत कर आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से गए हो, चाहे जगह बदली हो, ये उनकी अपनी चुनाव प्रबंधन उनका अच्छा है, जिस तरीके से किसी ना किसी तरीके से जीतते हैं। चुनाव प्रबंधन ये मत बोले कि दिल जीत के, दिल नहीं जीतते, वो चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा है, चुनाव प्रबंधन से तो दिल जीतते हैं, चुनाव प्रबंधन से दिल जीतते हैं। राजीव जी छोड़िए ना, जनता देख रही होगी क्या सोचेगी, छोड़िए उस बात को। सीमा जी आप, मुझे लग रहा है कि उन कैडर में से हैं, मैं देख रहा था बीजेपी के उन कैडर में से हैं जो आज खुश हैं, काफी कह रहे कि बहुत अच्छा हुआ, चलेगा बहुत अच्छा हुआ, ऐसा है? देखिए नहीं, खुश या वो वाली बात नहीं है, बात से आप लोगों को हाथ नहीं मारा था 2016, आप लोगों के साथ भी तो धोखा हो गया था, आज कोटद्वार की जनता के साथ धोखा हुआ, आप लोगों के साथ भी धोखा हुआ था 2016 में, आ गए थे जिनको टिकट मिलने थे बेचारे उनको टिकट मिले, बेटे और पिता को भी टिकट मिल गया रातों रात, आए थे इसलिए कि वो हमारे सिद्धांतों पे चलेंगे, लेकिन वो नहीं चल पाए। अच्छा, वो वही वाली बात बार बार। सीमा जी देखिए, मंत्री कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, सरकार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है डिलीवर करने, अब वो नहीं कर पाए, उनकी फितरत थी, जैसे कि दीपक जी ने कहा कि वो उनकी फितरत है, वो धोखा देते हैं जनता को। आप, मुझे लगता है कि आपको कोटद्वार की जनता से माफी मांगनी चाहिए हरक सिंह रावत को लेकर, वो तो मांगेंगे नहीं माफी, वो शायद हरीश रावत से माफी मांग ले तो बहुत बड़ी बात है, आप माफी मांगेंगे कोटद्वार की जनता से कि आपने गलत व्यक्ति को चुना और गलत व्यक्ति को टिकट दिया और गलत व्यक्ति ने कोटद्वार की जनता के साथ अन्याय किया, माफी मांगेंगे कोटद्वार की जनता से? देखिए, अगर वाकई उन्होंने गलत किया होगा तो हमें माफी मांगने में भी कोई वो गुजारिश नहीं, लेकिन यह है कि हमने अगर कोटद्वार की जनता के साथ अगर अन्याय हुआ होगा तो हम आगे चल के कोटद्वार की जनता को डबल न्याय दे देंगे, डबल न्याय देंगे, लेकिन अन्याय तो हुआ ना कोटद्वार की जनता के, ये जनता को डिसाइड करने दे। 5 करोड़ की लागत से
चिन्हित भूमि पर, राजीव जी चिन्हित भूमि पर ही चार दीवारी का काम निर्माण कार्य हो चुका था। मतलब गजब की स्थिति है, मतलब जनता को क्या समझ रखा है आप लोगों ने, फिर भी कह रहे कि चुनाव जीत मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसीलिए शायद वो भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जो वादे जनता से किए वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे। ये घुटन जनता के विकास के कार्यों की नहीं है, किसी को आपने आगे मुख्यमंत्री भी लिखवाना होता है उसकी भी घुटन। नहीं तो कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस में रहते रहते 2016 में डिसीजन ना लेते तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदार रहते, बिल्कुल सीनियर नेता हैं, लेकिन वो आज वो कांग्रेस में आकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये तो मैं भी कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका धन्यवाद, आपका भी, दीपक जी आपका भी। लेकिन मसला यहाँ पर हरक सिंह रावत के आने और जाने का नहीं है, मसला उस कोटद्वार की जनता के साथ उस न्याय का है जिसके पश्चाताप के आंसू क्या हरक सिंह रावत बाहर है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सियासत के नजरिए से ऐसे कई किस्से हैं जहां जनता के साथ धोखा हुआ, पार्टियां चेहरा देखकर टिकट दे देती लेकिन कभी उस जनता का सोचा जाता है जहां से वो चुनाव जीत कर आते और हर बार सीट बदल लेते हैं। कोटद्वार की जनता के साथ अन्याय हुआ या फिर नहीं, ये कोटद्वार की जनता खुद तय करे तो ज्यादा बेहतर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।